छपी हुई एक खबर के साथ करते हैं। दरअसल बड़ी खबर यह आ रही है कि बेरोजगार युवकों के लिए सेना भर्ती से जुड़ी हुई कुछ भर्तियों का आयोजन, जिसका रास्ता साफ होता हुआ नजर आया। जयपुर को छोड़कर अन्य जिलों ने रैली पर सहमति दे दी और रैली का प्रस्तावित तारीखों पर कुछ फैसला करते हुए तारीखें मांगी गई हैं। एसपी से सहमति इस पर मांगी गई है। एडीजी कानून व्यवस्था से प्रमुख गृह सचिव को जानकारी भी दी है उन्होंने। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ भर्ती पर सहमति हुई और जयपुर प्रशासन ने भर्ती को लेकर दरअसल हाथ खड़े कर दिए थे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका जताई थी, लेकिन तमाम जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से रास्ता साफ हुआ है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको लेकर कोई फाइनल ऑर्डर निकाला जा सकता है। विष्णु शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। विष्णु, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिछले दिनों सेना ने जब राज्य सरकार से कहा था सेना भर्ती रैली के लिए प्रस्तावित तारीखें दी थी, हालांकि तारीख की घोषणा नहीं की थी, पर अब तारीखों की घोषणा भी कर दी और साथ में इसके बाद जो कोरोना की जो वर्तमान हालात चल रहे हैं उनको लेकर राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय से पूछा था कि कहाँ कहाँ सेना भर्ती रैली आयोजित की जा सकती है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने जो संबंधित जिला एसपी है उनसे पूछा था, तो जयपुर को छोड़कर जो अन्य चार जिला है एसपी है बीकानेर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, उन्होंने कोरोना की गाइडलाइन के साथ भर्ती कराने पर दे दिए। हालांकि जयपुर में कोरोना के अलावा जो कानून व्यवस्था को लेकर जयपुर एसपी ने इस बारे में भर्ती रैली से इनकार किया है। जयपुर एसपी का कहना था कि यहां पर जो अभ्यर्थी आते हैं वो आबादी के बीच में है, जो विद्याधर स्टेडियम है और साथ ही जो सीआईएसएफ का स्टेडियम है वो भी आबादी के बीच में, और अभ्यर्थी आते जाते नुकसान पहुंचाते हैं लोक संपत्ति को, साथ ही कई तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए जयपुर में ये नहीं करवाई जा सकती है भर्ती। बाकी जो चार जिले हैं उन्होंने भर्ती कराने के लिए कह दिया है। इसमें अलवर में 3 से 15 फरवरी तक भर्ती की तारीख आई है, वहीं बीकानेर में 10 से 23 जनवरी के बीच आई है, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, बीकानेर जिले शामिल होंगे, और जयपुर में जो थी 8 से 18 मार्च तक तारीख थी उसमें जयपुर, सीकर, टोंक के अभ्यर्थी शामिल होने थे, लेकिन इन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया है। उदयपुर में 5 से 16 अप्रैल के बीच में ये भर्ती की प्रस्तावित तारीख है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, पाली और नागौर के अभ्यर्थी शामिल होंगे, और आखिर में अजमेर में 3 से 14 मई तक भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा के अभ्यर्थी शामिल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी के लिए।